नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच चल रही है और इस कथित सुसाइड केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जा रही है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया से लेकर उसके भाई और सुशांत के तमाम करीबियों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है, लेकिन अब इस केस में सुशांत के पिता का नया बयान सामने आया जिसने पूरे मामले को फिर से घुमा कर रख दिया। क्योंकि सुशांत के पिता का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब इस केस को लेकर काफ़ी विवाद हो चुका है। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बयान में कहा है कि मुझे लगता है कि सुशांत ने उदासी के चलते खुदकुशी की हो, ऐसा हो सकता है। के सिंह ने बयान में ये भी कहा कि मैं 30 साल से पटना में रह रहा हूँ, मेरी पत्नी उषा का सन 2002 में देहांत हो गया, मेरी 4 बेटियां हैं और एक बेटा था। मेरा बेटा सुशांत मुंडन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था, तब मैं उससे मिला था, वो उस समय किसी प्रकार के तनाव में नहीं था। सुशांत 16 मई को वापस मुंबई चला गया। उन्होंने कहा कि मैं सुशांत को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता था और उसी पर वो रिप्लाई भी करता था। मैं उसे अधिक फ़ोन नहीं करता था क्योंकि वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। सुशांत को कोई ज़रूरत होती थी तो वो फ़ोन करके बता देता था। उन्होंने कहा कि सुशांत ने 7 जून 2020 को फ़ोन किया था, उसने कहा था कि 1 साल से पटना नहीं आया, अगर आप चाहते हो तो पटना आऊँगा, मुझे देखने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वापस आऊँगा। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने पुलिस को दिए बयान में भी स्वीकार किया है कि सुशांत ने बताया था कि वो डिप्रेशन में है और 2013 में उनके साइकेट्रिस्ट से सलाह भी ली गई थी। अभिनेता सुशांत की बहनें नीतू सिंह, प्रियंका सिंह और मीतू सिंह के बयानों ने रिया चक्रवर्ती की टीम के आरोपों को लेकर एक नया मोड़ दे दिया है कि परिवार ने सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति से अनजान होने के बारे में झूठ बोला था। सुशांत सिंह की 14 जून को मौत से पहले मीतू सिंह कुछ अरसे तक उनके साथ रही थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि सुशांत ने पिछले साल परिवार से कहा था कि वो डिप्रेशन में है। वहीं अब सुशांत के पिता और बहन के इस बयान के बाद अब सुशांत केस में एक नया एंगल आ गया है और अब सीबीआई की जांच में उनके पिता और बहन से भी पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।